आसनसोल के बनपुर में हुई सड़क दुर्घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी बालू ओवरलोडिंग को लेकर हुई आक्रामक। बीजेपी राज्य कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर को पत्र दिया है। पत्र में बालू ओवरलोडिंग को लेकर हो रही दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है। बुधवार को दो टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओवरलोडेड बालू ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना घेराव किया था। आसनसोल शहर के चित्रा मोड़ के पास ओवरलोडेड बालू ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार दो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर इलाके के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार की रात बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से विदेश देवघरिया और बिट्टू सिंह की मौत हुई थी। इस घटना को लेकर बुधवार को इलाके के लोग सड़क पर उतर गए थे और हीरापुर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था। आसनसोल नगर निगम के 78 नंबर वार्ड के पार्षद अशोक रुद्र के बाद अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। बीजेपी ने पुलिस प्रशासन की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी के राज्य कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर बालू लदे डंपर और ट्रकों की बेलगाम आवाजाही पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि बालू की ओवरलोडिंग पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए और ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन हो। साथ ही बालू लेकर आवाजाही करने वाले डंपर और ट्रकों के लिए अलग रूट निर्धारित करने की मांग की है। बीजेपी के राज्य कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि दुर्घटना में दो युवकों की मौत की घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की नींद टूटी है। वास्तविकता ये है कि पुलिस प्रशासन की मदद के बिना बालू की ओवरलोडिंग परिवहन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड बालू लेकर आवाजाही करने वाले डंपर और ट्रकों की बेलगाम रफ्तार के कारण रात भर लोगों के लिए रोड पर निकल पाना मुश्किल हो जाता है और हमेशा दुर्घटना होने का खतरा रहता है। दामोदर नदी से ओवरलोड बालू लेकर हर रोज सैकड़ों डंपर और ट्रक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बर्णपुर रोड से होकर आवाजाही करते हैं। बोले ब्यापारे कि मारा गए আর একটা হচ্ছে আমাদের ওই বিদেশ দেওঘরিয়া, দুটো ছেলেকেই আমি খুব ব্যক্তিগতভাবে চিনি তাদেরকে। যে কোনো মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক, এবং আজকে এখন তৃণমূল নেতাদের ঘুম ভাঙছে যে প্রশাসনের মদত ছাড়া তো এইভাবে বালি চলতে পারে না। এইভাবে ওভারলোড গাড়ি ট্রাক রাত্রেবেলা 11টার পর থেকে বিকেল আপনার ভোরবেলা 5টা পর্যন্ত যেভাবে মানপুর রোডের উপর দিয়ে চলে, সাধারণ মানুষ রাস্তায় চলতে পারে না। আপনি এইভাবে রেকলেস ড্রাইভিং, এইভাবে ট্রাক নিয়ে যায়, মানে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটবে। আমরা বারবার প্রশাসনকে বলেছি, বারবার জানিয়েওছি, আন্দোলনে কোনো ফল কিছু হয় না। এই তো এইরকম অবৈধভাবে বালির কারবার তো আজ থেকে চলছে না, অনেক দিন হয়, মাঝে মাঝে বন্ধ হয় আবার চলতে থাকে। আমার তো খুব ডাউট আছে, আমি তো আজ খবর নিচ্ছিলাম যে এই যে যারা করছে এই বালির কারবার, যে টেন্ডার যে পেয়েছে, এ তো নাকি নদী পরিষ্কার করার টেন্ডার। সেইখানে না যা তার নিয়মকানুন আছে সেসব নিয়মকানুনও মানা হয় না, তার যা যা ওখানে একটা স্টক ইয়ার্ড করতে হয় সেসবও হয়নি, প্রচুর ব্যাপার আছে। আজকে আমরা কমপ্লেন দিচ্ছি, আজকে আমরা প্রশাসনের সব জায়গায় আর একবার আমরা এই কমপ্লেন দিচ্ছি, যদি এইভাবে বানপুর রোডের উপর এই বালির ট্রাকের দাপাদাপি যদি বন্ধ না হয়, আমরা আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন করব। আসানসোল সে সন্তোষ মন্ডল কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। প্রকৃতি কে অনোখে উপাদানো সে বনে হনুমন্ত আটা, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बने विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार की कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स, 100% शुद्ध, 100% स्वाद।